सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल और हमारे 12th क्लास बोर्ड एग्जाम सीरीज में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम के लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों ये, यानी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन कहता है व्हेन अ स्क्वायर ऑफ लूप विद अ सरफेस एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन इंटेंसिटी ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम। आप पहले पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़िए। देखो आपके पास क्या है, एक स्क्वायर लूप है, ठीक है। क्या है बच्चों, स्क्वायर लूप है। स्क्वायर लूप जो है इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। फिर बच्चों यहाँ पे स्क्वायर लूप का जो सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, ये आपका स्क्वायर लूप मान लेते हैं हम, ठीक है। स्क्वायर लूप है और इसका सरफेस एरिया पर बच्चों कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए पर बच्चों 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम एसआई यूनिट में बदल देते हैं ना, मीटर स्क्वायर में बदल देते हैं। तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आपको पता है 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि एक सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब पर बच्चों नेक्स्ट कह रहा है इज प्लेस्ड इन अ, यानी इसके अंदर से है ना, या ये कह सकते हैं कि इस सरफेस को, स्क्वायर लूप को, जो स्क्वायर लूप को हमने होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मतलब वहां पे रख दिया जहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। पर जो होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही है, यहां पे होमोजेनियस का मतलब है कि जहां पे हमने लूप रखा वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। तो इसके अंदर हमने इस लूप को रख दिया, इस लूप को हमने इसके अंदर रख दिया। अब पर जो जिस होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा उसकी इंटेंसिटी है 20, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ है, वो 20 न्यूटन पर कूलम है बच्चों, ये भी देखो दे रखा है आपसे। एंड द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री। यानी ये क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एंगल बिटवीन द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो कह रहे बच्चों एंगल है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके पास 30 डिग्री। सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल ये दिया हुआ है आपका ऑलरेडी। तो पहले बच्चों यहाँ पे आपके पास थीटा 30 डिग्री है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया दे रखा है आपके पास, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट विद द लूप, लूप के जो लूप है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होगी वही बताना है। तो पहले बच्चों इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट फॉर्मूला आपके पास लगेगा ई ए कोस थीटा। आई होप आपको पता होगा ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालने का, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का ये एक फॉर्मूला है, राइट, है कि नहीं। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई कितना है आपके पास, ये रहा, ई की वैल्यू को इसी में पुट करेंगे तो बच्चों आगे 20 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है आपके पास ये, यानी 20 × 10⁻⁴। अब हम रखेंगे कोस थीटा, यानी कोस 30 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 400 मल्टीप्लाई करेंगे 400 और यहाँ पे 10⁻⁴ और आपको पता है कि कोस 30 डिग्री होता है √3/2। तो फिर बच्चों ये हो गया 4 × 10⁻⁴, ये हो गया आपके पास 2, ठीक है, और ये 10⁻⁴ हो गया और √3/2। अब हमें ऑप्शंस के हिसाब से अपना आंसर लाना है, तो फिर बच्चों 2 से हम 4 काट सकते हैं, तो ये इतना आ गया। तो हमारे पास फाइनली 2 × क्या बचा, देखिए 2 × आप इसको सोल्व करेंगे 10⁻⁴ और 10⁻² ये बचा हमारे पास 10⁻⁪ और √3। अब हम लिखेंगे 2 × √3 को लेते हैं 1.73, राइट, √3 की वैल्यू ये होती है और 10⁻⁴ कर बच्चों -2 होती है। तो फाइनली हमारे पास इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना कर बच्चों 0.0346 है ना वोल्ट मीटर आ जाएगा बच्चों, वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो पर बच्चों हमारे पास इतनी वैल्यू आएगी, क्या है, आप इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁔ नीचे आएगा, फिर इसको डिवाइड करेगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, आप इसको करके देख लेना, तो 0.0346 वोल्ट मीटर ये आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन में देखें आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। देखो एक छोटा सा फॉर्मूला हमें लगाया और कुछ किया ही नहीं, देखो न्यूमेरिकल कितनी आसानी से निकलेगा। सो